राज्यों की खबर आप देख रहे हैं। बिहार में एनडीए के बीच मची सीटों की खींचतान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात की। इसमें अमित शाह से मिलकर संतुष्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे की बात को खारिज करते हुए कहा कि सीट के बंटवारे की बात अभी फाइनल नहीं हुई है। सीटों की संख्या पर उन्होंने कहा कि हमने 3 सीटों की मांग की है और ये जायज भी है क्योंकि इससे पहले भी हमने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बिहार में लोकसभा चुनावों को लेकर फिलहाल एनडीए में गठबंधन की स्थिति सुलझती हुई नजर नहीं आ रही। इसी कड़ी में अब तक नाराज बताए जा रहे आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि सीटों की स्थिति को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी की भावना से बीजेपी को अवगत करा दिया है। ऐसे में अब बीजेपी इस पर विचार करेगी। पहले भी हमने बताया था कि कई दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से मैसेज मुझको मिला कि आप आइए, हम दिल्ली से बाहर थे तब, कि आइए बातचीत करनी है। भूपेंद्र यादव जी ने फोन किया था और हमारे ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के यहाँ से भी फोन आया था कि मुलाकात चाहते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था थी, पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में और ऐसा कार्यक्रम चल रहा था जिसको टालना मुश्किल सा था। हल्ला बोल दरवाजा खोला वहां से कि आइए दिल्ली, तो उस कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में मेरी व्यस्तता थी, जिस वजह से हमने कहा कि हम आते हैं लेकिन 3-4 दिनों के बाद हम आ पाएंगे। हमने उनको बताया तो उसके बाद फिर जो निर्धारित तिथि थी, पहले से शेड्यूल मेरा था, उस तारीख पर मैं दिल्ली में उपस्थित हुआ कल, और फिर कल रात को ही बात हुई। भूपेंद्र यादव जी के यहाँ आज हम गए थे, सुबह में 11:30 बजे उनसे मुलाकात सुनिश्चित थी, हम वहाँ गए थे और उनसे बातचीत हमारी हुई है। बातचीत बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, अच्छे तरीका से बात हुई है। हमारी पार्टी के साथी जो चाहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर, बिहार के जो हमारे समर्थक लोग हैं, समर्थक जनता है, हमसे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो भावना है, इससे हमने भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अवगत करा दिया है कि हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए अगर कुछ चीजें तय होती है तो लोग सम्मानित महसूस करेंगे और फिर एनडीए की मजबूती ज्यादा बढ़ेगी। दरअसल बिहार में गठबंधन को लेकर जब से बीजेपी जेडीयू के बीच 50-50 का गठबंधन तय हुआ है, तब से उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। आज यही नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा के बयान में भी सामने आ गई। जब उनसे पूछा गया कि सीटों को लेकर कुर्बानी देने की बात कही जा रही है, तो उसका कहना था कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर 3 पार्टनर्स के बीच में जब ये फायदा हुआ तो उन्हें इससे क्यों वंचित कर दिया गया। कि किसी भी संस्था में पार्टनर की संख्या जो होती है, उस संस्था को कोई नुकसान हो तो सभी पार्टनर शेयर करते हैं, कभी लाभ हो तो उसको भी सभी पार्टनर शेयर करते हैं, यही नियम होता है किसी भी संस्था का। एनडीए में कई पार्टनर हैं, अब जेडीयू के आने से जो नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीटों पर नंबर तय नहीं हुआ तो ऐसे में आरएलएसपी आखिर कितनी सीटें चाह रही है। आपको बता दें कि पिछली बार आरएलएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों सीटें जीतने में उनसे कामयाबी हासिल भी की थी। ऐसे में अब आरएलएसपी नेता उस पर क्या कर रहे हैं हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतनी जानकारी तो सब लोगों को है भी कि 3 सीटों पर पिछली बार हम लड़े थे और 3 सीटों पर हम जीते थे, यह सब लोगों को मालूम है ही। तो उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में सम्मानजनक की क्या परिभाषा आरएलएसपी के लिए हो सकती है, आप लोग खुद भी इसका आकलन कर सकते हैं। इन हालातों के बीच जब साझेदारों में नाराजगी भरी हुई हो तो ऐसे में आखिरकार बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को कितना मना कर पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा।
दिल्ली से ललित नारायण कांठवाल की रिपोर्ट, टोटल न्यूज। पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जनेऊ धारण और गोत्र पूछा और अब इस कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को जवाब देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदू धर्म को समझते ही नहीं हैं, बीजेपी से बेहतर वो समझते हैं। जिस प्रकार का आप भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, आपको शिवजी कभी माफ नहीं करेगा। आप अपना गोत्र भी बताएं और हिंदुओं को भ्रमित करने की चेष्टा ना करें। बंधुओं, ये बहुत है, क्या आप में हिम्मत है कि आप उज्जैन उतरते ही हेलीकॉप्टर में अगर पहला बयान कोई दे तो आप शशि थरूर की बर्खास्तगी की बयान दे कि यस वी रिमूव शशि थरूर फ्रॉम। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं और मंदिर जाने के लिए मंदिर उन्हें कहता है कि आपको ये कपड़े पहनने हैं, तो वो कुछ नहीं कहते। मगर जब राहुल गांधी, कमलनाथ और सिंधिया जी मंदिर में जाते हैं और मंदिर उन्हें कहता है कि आपको ये कपड़े पहनने हैं, तो हमें कहते हैं फैंसी ड्रेस में करें। क्या मंदिर ने नरेंद्र मोदी जी का ठेका है? क्या उनकी प्रॉपर्टी है? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस की प्रॉपर्टी है? क्या हिंदुस्तान की जनता खुल के उस मंदिर में नहीं जा सकती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 31 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग जन एकता यात्रा विशेष ट्रेन से रवाना हुए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हरी झंडी दिखाकर जन एकता यात्रा की विशेष ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके प्रतिमा के अनावरण होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पूरे विश्व में एकता का संदेश देगी। 45वीं जयंती है अखंड राष्ट्र की, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंची प्रतिमा देश को समर्पित करने जा रहे हैं और इस अवसर पर अपना दल ने सुंदरलाल पटेल फाउंडेशन ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान नौजवान महिलाएं सभी इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के अवलोकन के लिए गुजरात जाएंगे, बड़ौदा जाएंगे और ये एकता ट्रेन यात्रा इसी उद्देश्य से है कि वो इस ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।